जब भी कोई इंटीरियर डिजाइन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है तो वो दो सवाल पूछता है। पहला सवाल कि क्या सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली इमेजेस स्क्रॉल करने से हम डिजाइनर नहीं बन सकते, क्या कोई मेथोडिक एजुकेशन लेना जरूरी है, और दूसरा सवाल कि क्या थियोरी बेस्ड कन्वेंशनल कोर्सेज कंपल्सरी है, क्या कोई अपग्रेडेड मॉडर्न कोर्स नहीं हो सकता। तो इन दोनों सवालों के आज हम जवाब देंगे। मैं आर्किटेक्ट शीतल धोपटे, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और स्टडी विदाउट बुक्स इस सिस्टम पर बेस्ड एक्सेल इंटीरियर डिजाइन इंस्टीट्यूट की को फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पहले सवाल का जवाब, क्या पिंटरेस्ट की इमेजेस, क्या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग हमें डिजाइनर नहीं बना सकती, तो आपका एस्थेटिक सेंस इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन इंटीरियर डिजाइन ये एक बहुत ही लॉजिकल और टेक्निकल फील्ड है, तो मेथोडिक एजुकेशन ही हमें टेक्निकली और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब आपका दूसरा सवाल कि क्या थियोरी बेस्ड कन्वेंशनल कोर्सेज ही लेना जरूरी है, क्या कोई मॉडर्न अपग्रेडेड कोर्स नहीं हो सकता। तो आइए इसे कन्वेंशनल कोर्स वर्सेस स्टडी विदाउट बुक्स इस कोर्स के कंपैरिजन में समझते हैं। तो आइए इस कंपैरिजन को तीन क्विक पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। पहला पॉइंट कि थियोरी बेस्ड कोर्सेज अजम्पशन के मदद से सीखे जाते हैं। एग्जाम्पल कि अगर आपसे कहा जाए कि बालकनी का फ्लोर एंटी स्किड होना चाहिए, हल्का सा रफ होना चाहिए, तो आप हल्का रफ एलिगेटर की स्किन तक भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये है हल्का रफ और ये है स्मूथ और बालकनी का फ्लोर एंटी स्किड या हल्का रफ होना चाहिए, तो अब आपको अजम्पशन की जरूरत नहीं है। जो भी आप सीख रहे हैं वो आंखों देखी सीख रहे हैं, जो फील और एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी की मदद से सीख रहे हैं। तो ये है पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी कोर्स एंड अ स्टडी विदाउट बुक्स बेस्ड कोर्स। दूसरा डिफरेंस कि जब भी हम इंटीरियर डिजाइन को देखते हैं, ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर अपग्रेडेशंस बहुत फास्ट आते हैं, मार्केट में चीजें बहुत जल्दी बदलती है, तो आपका कोर्स भी अपग्रेडेड होना चाहिए। अगर आपका कोर्स आपको आउटडेटेड टेक्निक्स और मटेरियल सिखा रहा है और आप सोचते हैं कि फिर ट्रेनिंग के दौरान नई चीजें सीख लेंगे, तो आप लर्निंग अनलर्निंग में फंस रहे हैं। तो अगर हम स्टडी विदाउट बुक्स सिस्टम को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ 35 प्लस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में पिछले 15 या 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लेटेस्ट अपग्रेडेड नॉलेज स्टूडेंट्स तक लेकर आते हैं। इसके अलावा जो मेंटर्स और फैकल्टीज हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग फैकल्टीज हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में अपने क्यूरियस क्वेश्चंस फैकल्टीज से पूछते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल वीनियर सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमनली पूछते हैं कि अगर आर्टिफिशियल वीनियर इतना ही इकोनॉमिकल है, तो क्यों नेचुरल वीनियर्स पर इतना पैसा खर्च किया जाए। यहाँ पर अगर आपकी फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपकी फैकल्टी ऑलरेडी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है, तो वो आर्टिफिशियल वीनियर के साथ होने वाले साइट पर प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको नेचुरल वीनियर यूज करना है और कब आपको आर्टिफिशियल वीनियर यूज करना है। और थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि एक कन्वेंशनल एजुकेशन लेकर हमें डिप्लोमा या डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन हमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली सीखते हैं, तो एग्जाम में लिखना हो या क्लाइंट से इंटरैक्ट करना हो, आपका जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो एब्सोल्युटली हैंडी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कन्वेंशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन का जो फर्क है वो बहुत ही क्लियर हो गया होगा। तो एक्सेल इंटीरियर डिजाइन इंस्टीट्यूट में स्टडी विदाउट बुक्स इस सिस्टम की मदद से हम प्योर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।